मेष राशि, क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे ये दिन लाभ का है, धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन रिश्तों को अच्छे से निभाने की कोशिश करें, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, ओम हंग हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, उन्नति के लिए यह दिन आपके बहुत अच्छा है, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर लोगों से बात कीजिएगा। एक सावधानी, किसी पर बहुत विश्वास नहीं करें और बहुत ही मैच्योरिटी से, सुलझे स्वभाव से लोगों से बात करें। उपाय क्या करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष आपका बेहतर है, धनदायक देना है, प्रमोशन आदि के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी देना अच्छा है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन दुस्साहस नहीं करना और वाहन ध्यान से चलाना है। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए कच्ची सब्जी का दान कर दीजिए। कर्क राशि, थोड़ा संभल के चलिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में ये दिन बहुत अच्छा नहीं है और साथ ही साथ कोई कहीं परेशानी भी आपको हो सकती है। सावधानी, किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और किसी से कड़वा ना बोले। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को पीला पुष्प भेंट कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनका जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करें। सिंह राशि, घर में आपकी वजह से वाद विवाद ना हो, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, इस दिन मित्र और पार्टनर से बहुत सुलझा हुआ व्यवहार कीजिए। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए, मन को शांत रखिए और श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण कीजिए। कन्या राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, धन की स्थिति बेहतर होगी, रोग से आप मुक्त होंगे, आपके रोग पहचाने जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु भी आपके शांत रहेंगे, तो जम के आगे बढ़िए, लाभ होगा, आप जीतेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन गरिष्ठ भोजन करने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा। तुला राशि, यह दिन रिश्तों के लिए बहुत खराब है, इसलिए बहुत संभल के चलने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लें, इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य की आराधना कीजिए, थोड़ी देर ध्यान कीजिए सूर्य का, फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, सुख में कमी कर सकता है ये दिन, इसलिए अपने स्वभाव को बहुत कंट्रोल में रखिएगा, माता जी का स्वास्थ्य बार बार पूछते रहिएगा, उनकी केयर कीजिएगा, मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन जल्दबाजी में कहीं धन खर्च करने का या वाहन खरीदने का निर्णय ना लें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने नारियल, सौंफ और मिश्री लोगों में बांटनी है, तो मुझे सब ठीक करेंगे। धनुराशि के लोगों के लिए दिन संघर्षपूर्ण तो है, लेकिन है कुल मिला के अच्छा, इसलिए आप मेहनत अपनी जारी रखिएगा, काम जरूर बनेंगे। बस एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन गुस्से में काम छोड़ मत दीजिएगा, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, सूर्य को जल दीजिए और किसी मजदूर को भोजन करा दीजिएगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, समय का सदुपयोग करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, रुके हुए कार्य भी बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धन कहीं मत फंसाइएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करके अपने काम पर जुट जाइए। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, जल्दबाजी में या क्रोध की वजह से कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, मित्र या अन्य कोई व्यक्ति जिससे आपको लगता था मदद मिलेगी, मदद नहीं कर पाएंगे। एक सावधानी, इस दिन चिड़चिड़ेपन से बचें और धीरे धीरे अपना कार्य करते रहें, विद्यार्थियों को लाभ इसी से मिलेगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आप ओम रुद्राय नमः का जप करें और दूध का दान दें, बहुत ही सुकून मिलेगा और आपके कार्य बन जाएंगे। मीन राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत से आगे बढ़िए, लाभ जरूर होगा, बस एक सावधानी बरतनी है, जब आप वाहन चलाएं तो। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए पीले वस्त्र का धारण कीजिए और रस वाले फल जैसे संतरा है, इसका दान कर दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।